Hey, are you sunbathing in the sun? तो कुछ दिनों पहले की बात है, तकरीबन एक महीने पहले है ना, हम लोगों ने नोटिस किया कि फ्लफी जो था वो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। तो फ्लफी अपने आप को बहुत ही अकेला कर रहा है। कभी बाथरूम में ऊपर जाके बैठ जाता था कोने में, और कभी यहाँ पे प्रिंटर पे जाके बैठ जाता था। तो हम लोग समझे, शायद हम लोग से नाराज़ है क्योंकि हम लोगों ने अभी हम लोगों ने ट्रैवल किया था जुलाई में, ऐसे एक डेढ़ हफ्ते के लिए। जब हम लोग वापस आए तो फ्लफी बहुत खामोश था। तो हम लोगों ने कहा शायद उसको, हम लोगों को मिस कर रहा होगा शायद वो, है ना। तो हम लोगों ने फील तो कर लिया था कि वो बहुत खामोश है, अपने आप को अकेला कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है। तो फिर ये देखो, ये जिंजी बैठे हुए जिंजी। तो फिर हम लोग उसको एक दिन, उसको बुखार हो गया बहुत तेज़, और उसको बुखार हुआ तो फिर हम लोगों ने उसको डॉक्टर के पास ले गए, है ना। फिर डॉक्टर ने उसका पेट पकड़ के ऐसे उसको चेक किया, यो करके। तो पता चला कि उसको कुछ पेट के अंदर है। डॉक्टर ने कहा वो उसका पेट का स्कैन करेंगे। फिर स्कैन कर किन्ने के बाद उनको पेट के अंदर कोई चीज़ दिखी, उसके अंदर इतनी बड़ी सी थी। फोटो अच्छा, तो ऐसा लग रहा था ऐसे कोई, जैसे कोई कोई चीज़ का गुच्छा बना हुआ हो कोई ना। तो उन्होंने कहा कि ये रीज़न हो सकता है, ये जो इतना खामोश है, या इसको बुखार है। फिर उन्होंने उसका एक्सरे किया। डॉक्टर ने उसका एक्सरे किया। तो एक्सरे में उन्होंने कहा है कि वो जो चीज़ है वो उसके इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई है, वो आगे बढ़ी नहीं है, ग्रो नहीं हुई है, लेकिन उसको निकालना, ऑपरेट करके निकालना ज़रूरी है। तो हम लोग उसको ऑपरेट करवाएंगे और निकलवाएंगे। चलो फ्लफी, आर यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट? You have to fast for 8 hours. How will you do that, Fluffy? How will you do that? It is 5 a.m. Quickly eat your food so we can go later. हम लोगों ने सर्जरी करवा दी फ्लफी की और उसको ले आए घर पे। फिर उसका जो बॉडी में से वो निकाला था उन्होंने ट्यूमर, उन्होंने कहा उसको टेस्ट करने के लिए भेजेंगे। उसको टेस्ट करने के लिए भेजा उन्होंने लैब में, तो पता ये चला कि वो जो ट्यूमर था उसका, वो कैंसर का ट्यूमर था एक्चुअली। तो जब डॉक्टर ने हम लोग को ये बताया तो हम लोगों के लिए बहुत अपसेटिंग न्यूज़ हो गई है, और हम सब लोग बहुत ही डिसहार्ट हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे क्लिनिक्स में उन्होंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, और अब कीमोथेरेपी यहाँ पे दुबई में एक डॉक्टर कर रहे हैं और एक कोई अबू धाबी में कर रहे हैं। हम लोग तो दुबई में रहते हैं, तो अब अबू धाबी ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हम लोगों को कोई वे नहीं मिला तो फिर हम लोग अबू धाबी लेके जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली हम लोगों को एक डॉक्टर यहाँ मिल गए हैं दुबई में जो कीमोथेरेपी करते हैं, तो वो रेडी हैं करने को। तो उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं कि कितना टाइम लगा, 25 वीक्स बताया उन्होंने, है ना, 25 वीक्स लगेंगे। लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कितना पेनफुल प्रोसीजर होगा फ्लफी के लिए डेफिनेटली, और पता नहीं है क्योंकि पहली बार हम अपने, हमारे जो ये कैट्स हैं उनमें से किसी एक बच्चे को ऐसे किसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और हमें कुछ नहीं मालूम इसमें क्या होता है। और हमने सोचा कि हम इसकी कोई वीडियो बना के पूछे लोगों से कि अगर किसी की कैट के साथ ऐसे हुआ है तो कैसा वो
कितना टाइम लगता है उसको रिकवर होने में, और वो रिकवर होने में मतलब सारे प्रोसीजर में वो उसको कैसे फील, क्या एक्सपीरियंस है, मतलब वो कैसे उसकी सेहत कैसी हो जाती है, बहुत सारी डिटेल्स हमको जाननी है, हमें पता नहीं है। तो अगर किसी की कैट के साथ अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीन हुआ है और वो इस प्रोसीजर से अगर गुजरी है उनकी कैट, तो हमको प्लीज़ बताइए। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे इसके लिए पैसा जमा करें और सर्जरी के लिए उसको तैयार करें। If you want to support Fluffy in this process to help him recover from cancer, please try to donate to our fundraiser in the link below. क्योंकि हम लोग fundraise कर रहे हैं Fluffy के treatment के लिए, ताकि हम उसकी ज़िंदगी को बचा सकें, बढ़ा सकें और उसको एक healthy life दे सकें। वैसे तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है, लेकिन हम लोग इंसान हो के जो भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे उसके लिए, है ना। तो अगर आप लोगों से किसी से लगता है कि हेल्प हो सकेगी, कुछ भी एक छोटी सी एक मुन्नी सी भी हेल्प जो है ना, वो बहुत बड़ी हेल्प होगी। इस वक्त हम लोगों को शदीद ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की।